हे व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है अभिनव और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 सीक्रेट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई होप कि आपको ये एप्लीकेशंस जरूर पसंद आएंगे। तो फिर चलो यार राइड पे, बता दो इन सीक्रेट एप्लीकेशंस के बारे में। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है स्मार्ट किट 360। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि अगर आप अपने फ़ोन के सभी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल भी कर देते हैं तो भी आप उन सभी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन के हेल्प से। इस एप्लीकेशन की साइज़ प्ले स्टोर पे 5.3 MB है, जो कि काफ़ी कम है, और आप इस एप्लीकेशन के हेल्प से नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं, रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें जैसे कि कैलकुलेटर, बैटरी सेवर, स्टॉप वॉच, फ्लैश लाइट, क्लीनर, स्पीडोमीटर, पेडोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड और भी बहुत कुछ। और इतना कुछ है और सोशल मीडिया नर्ड है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें आपको जितने भी सोशल मीडिया हैं वो सब दिख जाएंगे, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब, विकिपीडिया, जीमेल, याहू, स्काइप, टेलीग्राम, टम्बलर, लिंक्डइन, ब्लॉगर, ये सब कुछ मिल जाएगा। और इन सब के अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं। और उसके बाद आपका आता है न्यूज़ एप्लीकेशंस, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। शॉपिंग ऐप्स की बात करें तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, वॉलमार्ट हो, अमेज़ॉन हो, स्नैपडील हो, मिंत्रा हो, जबोंग हो, शॉपक्लूज हो, या फिर ईबे हो, कुछ भी हो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यार एक तरह से मल्टीटास्किंग ऐप है ये, और ये ऐप लो एंड डिवाइस यूजर्स को काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपके फ़ोन में भी ज़्यादा एप्लीकेशन के वजह से स्पेस इशू आती है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है ड्रॉवर। इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओवरले में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि आप पहले से कोई ऐप का यूज़ कर रहे हैं और आप उसी वक्त कोई दूसरे ऐप में स्विच करना चाह रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन के हेल्प से कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन में मैक्सिमम 5 ड्रॉवर ऐड कर सकते हैं और इन 5 ड्रॉवर में आप मैक्सिमम 5 ऐप ऐड कर सकते हैं। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। इधर आप कैटेगरीज वाइज ऐप ऐड करेंगे, जैसे कि गेम्स का अलग ड्रॉवर, सोशल मीडिया का अलग ड्रॉवर, शॉपिंग एप्लीकेशन का अलग ड्रॉवर, या फिर आप रैंडमली कोई ऐप डाल सकते हैं अपने यूजर्स के हिसाब से। तो काफ़ी सही एप्लीकेशन है जो आपके टास्क को ईजी कर देगा और आप बिना पहले वाले ऐप को क्लोज किए हुए दूसरे ऐप में स्विच कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है सिस्टम फेल। ये एक बेसिकली प्रैंक ऐप है। इस ऐप में आपको टाइमर सेट करना होगा कितने टाइम के बाद ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप अपने फ़ोन को अपने किसी फ्रेंड को दे सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन उस टाइम पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा सिस्टम फैटल एरर, डिवाइस नेम लिखा होगा और थोड़ी सी डिवाइस की इंफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद दिखेगा कि अनइंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस, रिमूविंग कॉन्टैक्ट्स, फॉर्मेटिंग मेमोरी, और ये सब जब होगा तब आपके फ़ोन का बैक स्पेस बटन भी वर्क नहीं करेगा। फिर सब कुछ होने के बाद शो होगा रीस्टार्टिंग फोन इन 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद स्क्रीन पे आ जाएगा यू हैव बीन फूल्ड, या फिर आप उसे सेटिंग्स में चेंज करके कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। तो कमाल का एप्लीकेशन है अपने फ्रेंड के साथ प्रैंक करने के लिए और उन्हें थोड़ा सा डराने के लिए। ठीक, तो जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है जे टच। ये बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं, जैसे सिंगल टैप से लास्ट टैप में स्विच करना, डबल टैप से लॉक स्क्रीन, स्वाइप अप से होम स्क्रीन, स्वाइप डाउन से क्विक सेटिंग पैनल, और स्वाइप लेफ्ट से रीसेंट ऐप्स। और आप इन फंक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या होगा ना कि इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप अपने वर्क को ईजिली कर पाएंगे, वो भी कम टाइम में। वैसे मैं आपको बता दूं कि सभी एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है लॉन्च बोर्ड। ये एप्लीकेशन बेसिकली करता क्या है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो ये आपके सभी एप्लीकेशन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करता है। इस एप्लीकेशन की अपनी एक अलग ही कीबोर्ड है जिसपे आप एक बार में कोई एक ही अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं, मतलब एक अल्फ़ाबेट टाइप करने के बाद अगर आप कोई दूसरा अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं तो पहले वाला अल्फ़ाबेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, और आप जो भी अल्फ़ाबेट टाइप कीजिएगा उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले सारे एप्लीकेशंस आपके सामने आ जाएंगे।
तो है काफी कमाल का एप्लीकेशन, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है AR मॉस्को सिटी। इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप ऑगमेंटेड रियलिटी मॉस्को सिटी को देख सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको दो फ़ोन की ज़रूरत होगी। एक फ़ोन में मार्कर रहेगा और एक फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगा। अगर आप दो फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्कर का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप मार्कर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको AR मॉस्को सिटी एप्लीकेशन में आना है, उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन होगा और ऊपर राइट कॉर्नर साइड में आप जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ डाउनलोड मार्कर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे ब्लूटूथ के थ्रू अपने दूसरे फ़ोन में सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपने पहले फ़ोन में उस एप्लीकेशन को ओपन करके उस मार्कर की तरफ पॉइंट कीजिएगा तो आपको मॉस्को सिटी दिख जाएगा। और आप यहां से ये भी पता लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, कितनी लिफ्ट है, कितना टाइम लगा इस बिल्डिंग को बनने में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन है, मैंने काफ़ी यूज़ किया इस एप्लीकेशन को तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना और बताना कैसा लगा ये एप्लीकेशन। तो जो हमारा सेवेंथ एंड लास्ट एप्लीकेशन है इस वीडियो का वो है क्लॉक। ये कोई अलार्म क्लॉक नहीं है बल्कि ये फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल घड़ी की तरह ही काम करेगा और आपको टाइम शो करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके सेंटर में क्लिक करते हैं तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, और जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कोई भी पर्सनल पिक्चर या वीडियोज़ या कोई डॉक्यूमेंट को हाइड कर सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि घड़ी के पीछे इतना कुछ हाइड है। और बाई चांस किसी को पता चल गया तो आप एक फेक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप वो फेक पासवर्ड इंटर कीजिएगा तो एप्लीकेशन ओपन तो होगा लेकिन वहाँ पे कोई हिडन फाइल शो नहीं होगा। तो बताओ यार कैसी लगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठोको लाइक, कमेंट करो और मुझे बताओ कि इन सात एप्लीकेशन में से सबसे अच्छा एप्लीकेशन आप लोगों को कौन सा लगा। शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और सुनो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले और नए एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।